हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्विचगियर ट्रेनिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल बेस्ड है ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ क्या होता है, कहाँ अप्लाई करते हैं, अगर आपने ये वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देखें, ताकि आपको और भी अच्छे से ओम्स लॉ के बारे में पता चल जाए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगा, इवन आप यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। ओके, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ हिंट्स ले लेते हैं, ताकि क्वेश्चन करने में हमें इजी हो। तो हिंट नंबर 1, यूज्ड ओम्स लॉ फार्मूला टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन, दैट इज़ वी इक्वल्स टू आई आर और ओम्स ट्रायंगल। ठीक है, आप ओम्स लॉ का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और इवन ओम्स ट्रायंगल्स की मदद से भी आप वो इक्वेशन या फिर फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वी इक्वल्स टू वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वोल्टेज को आपको वोल्ट में नापना है और कैपिटल वी से डिनोट करना है। आई मीन्स करंट है, एम्पियर में नापना है और कैपिटल ए से डिनोट करना है। आर मीन्स रेजिस्टेंस है, ओम में नापना है और ओम से डिनोट करता है। और बेसिकली एक सिंपल सर्किट है, सर्किट में इस तरीके से जो मेंशन है वो आपका वोल्टेज होता है, जिसको ये हमारी बेसिकली बैटरी का सिंबल है। देन यहाँ पे आपका लोड होगा, लोड में कुछ रेजिस्टेंस होगा वो मेंशन है, और करंट जो फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो हिंट नंबर 2 देख लेते हैं। हिट नंबर 2 में आपको क्या बोला गया है, नोट इफ़ वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस इन मिली वोल्ट, मिली एम्पियर एंड किलो एम्पियर एक्सेट्रा, अगर आपकी वैल्यू इस फॉर्म में दे रखी है तो देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन स्टैंडर्ड वैल्यू, डेट इज़ वोल्टेज एम्पियर एंड ओम बाय यूजिंग प्रीफिक्स। आपको प्रीफिक्स की मदद से इसको कन्वर्ट कर लेना सिंपल वोल्ट एम्पियर या फिर ओम में। तो प्रीफिक्स क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। उससे पहले इफ़ वोल्टेज इज़ 5 मिली वोल्ट, आप देखिए मिली वोल्ट में दे रखा है, तो नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस मिली वोल्ट टू वोल्ट, आपको इसको वोल्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 5 मिली वोल्ट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिली आपको फिर यहाँ पे इस टेबल में देख रहे हैं मिली की वैल्यू, तो आप देखेंगे यहाँ पे मिली की वैल्यू 10^-3 है, तो 5 × 10^-3 वोल्ट, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.005 वोल्ट। यही सेम प्रोसीजर करंट के लिए भी है और वोल्टेज के लिए भी है। अगर और कई बार आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि -3 से ये आंसर कैसे आया, तो बेसिकली -3 का मतलब होता है 1/10^3, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.005। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, 15 किलो ओम। ओके, बेसिकली मैं 15 किलो ओम दे रखा है, तो 15 किलो ओम, तो किलो का मतलब किलो ओम यहाँ टेबल में देखेंगे 10^3, तो 10^3, तो 15 × 10^3, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 ओम। ठीक है, तो कैसे किया मैंने, बेसिकली 15 × 10^3 1,000 होता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000, तो आपका आंसर आ गया 15,000 ओम। यही सेम प्रोसीजर करंट के लिए भी है और वोल्टेज के लिए भी है। ओके, तो एक लास्ट हिंट ले लेते हैं हम, हिंट नंबर 3, आपको नॉलेज होनी चाहिए रजिस्टर कलर कोडिंग की, ताकि आपको अगर कोई भी रजिस्टर गिवन है तो आप उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लें विद द हेल्प ऑफ कलर। तो उसके लिए टेबल होता है जिसमें आप देखेंगे ब्लैक, ब्राउन, रेड, इसको याद करने का तरीका होता है। और इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को भी एक बार देखें, ताकि आपको किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर पाएँ। ओके, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप उस वीडियो को देख पाएँ। ओके, तो यहाँ पे छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि आपको जस्ट यहाँ पे पता चल जाए। यहाँ पे मैंने क्या है, एक ब्राउन कलर लिया है, फर्स्ट बैंड ब्राउन कलर का है जिसकी वैल्यू है 1, सेकंड बैंड क्या है ग्रीन, ग्रीन की वैल्यू कितनी है 5, थर्ड बैंड क्या है आपका ऑरेंज, ऑरेंज की वैल्यू कितनी है 3, एंड फोर्थ बैंड मैंने लिया है नो कलर, तो नो कलर बेसिकली इसका टॉलरेंस है 20%। तो क्या करते हैं, हम फर्स्ट 2 वैल्यू को एक साथ लिखते हैं, जो थर्ड बैंड होता है उसको लिखते हैं 10^ में, और जो फोर्थ कलर का जो बैंड होता है उसकी जो भी वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं टॉलरेंस में। ठीक है, अगर ये सिंपल सिर्फ 2 कलर होता तो सिर्फ हम लिखते हैं 15, 3 कलर होता तो हम इसमें टॉलरेंस नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं हम, तो वाली वीडियो आप देखिए रेजिस्टेंस वाली, ताकि आपको और भी नॉलेज मिल जाए। तो लेट स्टार्ट टू सॉल्व 10 क्वेश्चंस, रेडी विद योर बुक, अपने बुक्स निकाल लीजिए, ताकि आप ये क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द वोल्टेज रेटिंग ऑफ सर्किट इफ़ द रेजिस्टेंस
35 ओम एंड करंट 1 एम्पेयर। अगर उस सर्किट का वोल्टेज कितना होगा अगर सर्किट का रेजिस्टेंस 35 ओम और करंट 1 एम्पेयर हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपको, आर की वैल्यू दे रखी है 35 ओम, एम्पेयर दे रखा है यानी कि आई दे रखा है 1 एम्पेयर, आपको निकालना है वोल्टेज। तो सिंपल सा हम क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं एक बार, रेजिस्टेंस 35 ओम, करंट 1 एम्पेयर, वोल्टेज निकालना है। तो बेसिकली आपको ओम का फॉर्मूला यूज़ करना है, वी इज इक्वल टू आई आर, इसमें वैल्यू पुट करनी है आई और आर की। तो वी इज इक्वल टू 1 एम्पेयर इंटू 35 ओम, इसको जब मल्टीप्लाई हो 30 तो आपका आंसर आएगा 35 वोल्ट। तो आपका वोल्टेज कितना आएगा सर्किट का 35 वोल्ट। सिंपल आपने इसकी कैलकुलेशन कर ली। ओके क्वेश्चन नंबर टू, व्हेन 12 वोल्ट आर अप्लाइड अक्रॉस अ 60 ओम रेजिस्टर द करंट इज। अगर एक सर्किट के अंदर 60 ओम का रेजिस्टर 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट है तो उस कंडीशन में सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा ये आपको बताना है। तो एक बार वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करके ट्राई कीजिए, फिर आप देखिए आपका आंसर कितना आता है। ओके तो क्या क्या गिवन वैल्यू वो लिख लेते हैं हम, वोल्टेज 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस 60 ओम, हमें क्या निकालना है करंट। तो हमें सिंपल ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ करना है, वी इक्वल टू आई आर, बट इस कंडीशन में हमें क्या निकालना है आई, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो सिंपल आपको इसके अंदर वी और आर की वैल्यू पुट करनी है तो आपका करंट निकल जाएगा, आई इक्वल टू वी की वैल्यू 12 वोल्ट अपॉन यानी कि डिवाइड बाय 60 ओम। तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.5 एम्पियर। तो इस कंडीशन में सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, 0.5 एम्पियर करंट सर्किट में फ्लो करेगा। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब इफ इट ऑपरेटेड फ्रॉम अ 110 यानी कि 110 वोल्ट सोर्स एंड 0.5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। उस बल्ब का अप्रोक्स रेजिस्टेंस कितना होगा अगर वो बल्ब 110 वोल्ट की बैटरी के साथ चल रहा है और उसके अंदर 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो एक सर्किट बनाते हैं आपका, ये देखेंगे मैंने बल्ब बनाया है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस हमें निकालना है, अगर वोल्टेज 110 वोल्ट है और करंट 0.5 एम्पियर गिवन है तो क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं हम। सबसे पहले आपको वोल्टेज गिवन है 110 वोल्ट, करंट गिवन है 0.5 एम्पियर, रेजिस्टेंस निकालना है तो सिंपल ओम्स लॉ का यूज़ करना है। इस कंडीशन में आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई हो जाएगा। तो सिंपल क्या करना है आपको, आई और वी की वैल्यू पुट करनी है तो आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो आर इज इक्वल टू 110 वोल्ट अपॉन में 0.5 एम्पियर। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 220 ओम यानी कि 220 ओम यहाँ पे इस बल्ब का रेजिस्टेंस होगा इस कंडीशन के अंदर। ओके क्वेश्चन नंबर थ्री डन कर लिया हमने, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर फोर की, अ रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज 1 किलो ओम एंड 0.15 एम्पियर करंट फ्लोविंग थ्रू द रेजिस्टर, फाइंड द वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट। बेसिकली एक रेजिस्टर है जिसके अंदर एक रेजिस्टर की वैल्यू गिवन है 1 किलो ओम जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है 0.15 एम्पियर का, आपको उस कंडीशन में वोल्टेज निकालना है कि यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा। ठीक है तो क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम एम्पियर गिवन है 0.15 एम्पियर, यहाँ पे देखेंगे आप रेजिस्टेंस दे रखा है 1 किलो ओम, तो आपको इसको ओम में बदलना है जैसे हमने पहले हिंट दिखा था। तो किलो की वैल्यू क्या होती है, हमने जैसे पहले देखा था अगेन देख लेते हैं, किलो की वैल्यू किलो की वैल्यू आपकी 10 की पावर 3। तो सिंपल आप क्या करेंगे, 1 × 10 की पावर 3 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1000 ओम। ठीक है तो आपने किलो ओम को कन्वर्ट कर लिया ओम में। ठीक है आपको हर बार ऐसा करना जब भी ऐसा गिवन हो। तो वोल्टेज निकालना है तो बेसिकली ओम्स का फॉर्मूला यूज़ करना है आपको,
ओम्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप, वी इक्वल्स टू आई आर, सिंपल आई और आर की वैल्यू पुट करेंगे तो वोल्टेज आपका निकल जाएगा। आई की वैल्यू कितनी है, 0.15 एम्पियर, एंड रेजिस्टेंस कितना है 1000 ओम, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 150 वोल्ट। तो सिस्टम में कितना वोल्टेज होगा, 150 वोल्ट, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15000 ओम। ठीक है, तो कैसे किया मैंने, बेसिकली 15 × 10³ 1000 होता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15000, तो आपका आंसर आ गया 15000 ओम। यही सेम प्रोसीजर करंट के लिए भी है और वोल्टेज के लिए भी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब। अ करंट 200 माइक्रो एम्पियर फ्लोइंग थ्रू अ 6.8 किलो ओम रेजिस्टर, कैलकुलेट द अप्लाइड वोल्टेज इन द सर्किट। आपके पास एक सर्किट गिवन है, सर्किट के अंदर जो रेजिस्टर की वैल्यू है वो 6.8 किलो ओम है और जो करंट है वो 200 माइक्रो एम्पियर गिवन है। तो आपको क्या करना है, सिस्टम का वोल्टेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हम लिख लेंगे क्या क्या गिवन है। तो करंट दे रखा है 200 माइक्रो एम्पियर, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है सिंपल सा एम्पियर में। तो क्या करना है, माइक्रो की वैल्यू प्लेस करके उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 200 × 10⁻⁶, माइनस सिक्स कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। आप देखेंगे माइक्रो की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 10⁻⁶, जैसे इसको मैं इसके बाद मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.002 एम्पियर। ओके, रेजिस्टेंस दे रखा था 6.8 किलो ओम, तो जैसे हमने पहले भी किया था प्रीवियस जो क्वेश्चन था, तो 6.8 × 10³ ओम, किलो का मतलब 10³, हमें सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6800 ओम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वोल्टेज निकालना है। तो बेसिकली जब आप वोल्टेज निकालेंगे तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। ओम्स लॉ इक्वल्स टू वी, ओम्स लॉ क्या कहते हैं, वी बराबर आई आर। तो वोल्टेज आपको निकालना है, सिंपल सा आई और आर की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो आपका यहाँ पे जो भी सिस्टम का वोल्टेज है वो निकल जाएगा। तो आई की वैल्यू 0.002 एम्पियर × 6800 ओम। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 1.36 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा हमने माइक्रो एम्पियर और किलो ओम को पहले हमने एम्पियर में और ओम में बदला। तो जब भी आपके पास कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो प्लीज़ आप भी उसको कन्वर्ट कर लें, अदरवाइज़ आपका जो क्वेश्चन होगा वो कहीं ना कहीं गलत होता जाएगा बार बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। 0.75 करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर इफ़ द रेजिस्टर कलर कोड इज ब्राउन रेड ब्लैक व्हाट इज़ द वोल्टेज ऑफ द सर्किट। बेसिकली यहाँ पे ओम नहीं दे रखा बट हिंट दे रखा है, रेजिस्टर का कलर दे रखा है, तो आपको कलर कोडिंग की मदद से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्या क्या गिवन है हम सर्किट बना के देख लेते हैं एक बार। एम्पियर गिवन है 0.75 एम्पियर आपके पास गिवन है, रेजिस्टर गिवन है कलर कोडिंग के साथ, वोल्टेज आपको कैलकुलेट करनी है। तो क्या क्या कलर है, फर्स्ट कलर है ब्राउन, रेड और ब्लैक। विद द हेल्प ऑफ कलर कोडिंग टेबल आप क्या करेंगे, इसको करेंगे कैलकुलेट। तो पहले दो जो बैंड होता है उसको क्या करते हैं, हम सिंपल साथ में लिखते हैं और थर्ड बैंड को उसकी 10⁻⁴ में लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला कलर क्या है, ब्राउन, तो ब्राउन की वैल्यू कितनी है, 1, तो हमने यहाँ लिखा 1। सेकेंड क्या है, रेड, रेड की वैल्यू है 2, तो ये होगा 12 × 10⁻⁰, 0, क्यों, क्योंकि हम ब्लैक है, ब्लैक का मतलब क्या होता है, 0, तो 10⁻⁰ का मतलब क्या होगा, 1। तो जैसे हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ये मेरा आंसर आएगा 12 ओम। कितना आ जाएगा, 12 ओम, यानी कि सिस्टम में कितना रेजिस्टेंस है, 12 ओम का रेजिस्टेंस सिस्टम में है। तो हमने क्या क्या गिवन कर ली वैल्यू, हमें गिवन है करंट की वैल्यू 0.75 एम्पियर, वोल्टेज निकालना है और रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ही लिया 12 ओम। तो विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ फॉर्मूला
हम क्या करेंगे, सिंपल I और R की वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर और हमारा वोल्टेज निकल जाएगा। तो 0.75 एम्पियर इंटू 12 ओम, हम इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर कितना आएगा, 9 वोल्ट हमारा आंसर आ गया। ओके, तो आप ऐसे किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी बेस्ड पे एक और क्वेश्चन करते हैं सिमिलर टू दिस। अ रेस्टर विद ग्रीन एंड रेड कलर, एक रेस्टर है जिसके पास दो कलर है ग्रीन और रेड, इज कनेक्टेड विद 9 वोल्ट बैटरी, जो कि कनेक्टेड है 9 वोल्ट की बैटरी के साथ एक सर्किट में। फाइंड द करंट ऑफ द सर्किट, हमें क्या निकालना है, उस सर्किट का करंट निकालना है। तो पहले सर्किट बना ही लेते हैं हम। हमें वोल्टेज दे रखा है 9 वोल्ट, करंट हमें गिवन नहीं है, हमें करंट निकालना है। और रेस्टर की कलर कोडिंग दे रखी है, तो कलर कोडिंग की मदद से उसके हम रेस्टर निकाल लेते हैं। तो कलर क्या दे रखा है, ग्रीन और रेड। तो फर्स्ट कलर क्या है, ग्रीन, सेकेंड क्या है, रेड। तो सिंपल 52 ओम हो जाएगा। कैसे आया, अगेन टेबल की मदद से। ग्रीन मीन्स 5, रेड मीन्स 2, यानी कि 5 2 52, थर्ड कोई बैंड नहीं है, तो फर्स्ट दो जो बैंड होते हैं उसको एक साथ लिखते हैं, 52 ओम इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं हम अगेन। रेजिस्टेंस 52 हमने कैलकुलेट किया, वोल्टेज 9 वोल्ट, करंट निकालना है, ओम्स लॉ को यूज़ करेंगे, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी और आर की वैल्यू पुट करेंगे, वी 9 वोल्ट अपॉन 52 ओम। तो जैसे हमने इसको किया डिवाइड, हमारा आंसर आया 0.17 एम्पियर। ओके, तो मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद करें, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि आपका आंसर क्या आता है। ओके, तो अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 110 वोल्ट सोर्स, बेसिकली एक रेजिस्टर कनेक्ट है 110 वोल्ट के सोर्स के साथ। व्हाट इज द कलर, सॉरी व्हाट इज द करंट इन द रेजिस्टर इफ द कलर कोड इज रेड, ऑरेंज, ऑरेंज एंड सिल्वर। बेसिकली उस सर्किट का, उस रेजिस्टर का करंट कितना होगा अगर उसकी कलर कोडिंग रेड, ऑरेंज, ऑरेंज और सिल्वर है। तो इसके लिए हम बना ही लेते हैं सर्किट। वोल्टेज दे रखा है 110 वोल्ट, 110 वोल्ट, कलर कोडिंग भी दे रखा है रेड, ऑरेंज, ऑरेंज एंड सिल्वर। हमें सिस्टम का, इस सर्किट का करंट निकालना ही है। तो इस कलर कोडिंग की मदद से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस। तो टेबल यूज़ करते हैं, रेड का मतलब 2, ऑरेंज का मतलब 3, थर्ड बैंड पावर में तो 10 की पावर 3, एंड फोर्थ बैंड उसका टॉलरेंस, तो यहाँ पे क्या है, सिल्वर है, तो 10%। ओके, इसको हम करेंगे कैलकुलेट, तो ये हो गया 23,000 प्लस माइनस 10%। अब देखिए प्लस माइनस 10% का मतलब क्या होता है, ये 23,000 की वैल्यू 10% ज़्यादा भी हो सकती है और 10% कम भी हो सकती है। मीन्स या तो ये वैल्यू होगी 25,300, या तो ये वैल्यू होगी 20,700, इसके बीच में वैरी करेगी, इससे ना ज़्यादा हो सकती है और ना इससे कम होगी। ओके, तो बेसिकली वेरिएशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दो है हमारे पास, एक है 25,300, एक है 20,700। तो हम दोनों के बेस से ही एम्पियर निकालेंगे। ओके, वोल्टेज रेजिस्टेंस दो दे रखा है, हमने दो निकाले बिकॉज टॉलरेंस यहाँ पे 10% है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की, इन दोनों की मदद से करंट निकालूं, तो ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे, वी इक्वल्स टू आई आर और आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो मैं एक साथ दोनों वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पहले मैंने पुट किया 25,300, इसमें पुट किया मैंने 20,700, देन मेरा जो करंट निकल के आया डिवाइड करने के बाद वो आया 0.004 एम्पियर, और इस कंडीशन में कितना आया, 0.005 एम्पियर। आप देखेंगे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 मिली एम्पियर या फिर 5 मिली एम्पियर। तो सिस्टम में कितना करंट फ्लो करेगा, या तो ये होगा 4 मिली एम्पियर या तो ये होगा 5 मिली एम्पियर। ओके, इसके बीच में ही फ्लो करेगा। 9th क्वेश्चन, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज़ 1 किलो ओम एंड 0.24 एम्पियर करंट ड्रॉन बाय द हीटर,
फाइंड द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द हीटर। एक हीटर आपके पास गिवन है, हीटर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 किलो ओम है और जो करंट फ्लो कर रहा है वो 0.24 एम्पियर फ्लो कर रहा है। आपको कितना वोल्टेज यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है, बेसिकली वोल्टेज निकालना है। तो क्या क्या गिवन है, सिंपल सा एम्पियर गिवन है 0.24 एम्पियर, रेजिस्टेंस गिवन है 1 किलो ओम, किलो का मतलब 10 की पावर 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ओम। वोल्टेज निकालना है, ओम्स लॉ यूज़ करना है, वी इक्वल्स टू आई आर, वैल्यू पुट करनी है, आई की जगह पे 0.24 एम्पियर, रेजिस्टेंस की जगह पे 1000, कैलकुलेट इसको जब मैं किया सॉल्व तो हमारे 240 वोल्ट हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इतना वोल्टेज यहाँ पे कनेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन, अ ट्रांजिस्टर रेडियो यूज 2 एम्पियर्स ऑफ करंट व्हेन इट इज़ रन बाय अ 9 वोल्ट बैटरी। अगर एक ट्रांजिस्टर रेडियो है जो कि 2 एम्पियर ले रहा है, अगर वो 9 वोल्ट की बैटरी से चलाया जा रहा है, तो व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेडियो सर्किट, उस रेडियो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, वो आपको क्या करना है कैलकुलेट। तो हम सर्किट बनाते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, वो हमें निकालना है, 9 वोल्ट गिवन है वो हमने मेंशन कर दिया, एम्पियर 2 एम्पियर है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया। तो जो भी गिवन वैल्यू वो लिखते हैं हम, वोल्टेज 9 वोल्ट, करंट 2 एम्पियर, निकालना क्या है रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ यूज़ करना है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे आपके पास क्या होगा 9 वोल्ट अपॉन में 2 एम्पियर, ये आपके आगे रेजिस्टेंस 4.5 ओम, ठीक है, ये आपका इस रेडियो का रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्किट 2 mA करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस अ रेजिस्टेंस एट 24 वोल्ट सप्लाई सोर्स। ओके, तो एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कनेक्ट है जो कि 24 वोल्ट के साथ कनेक्ट है और उसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 mA सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन द वोल्टेज इज डिक्रीज टू 9 वोल्ट। अगर उसी सर्किट के अंदर मैं 24 वोल्ट को 9 वोल्ट कर दूं, यानी कि डिक्रीज करके 9 वोल्ट कर दूं, तो कितना करंट फ्लो करेगा वो आपको क्या करना है कैलकुलेट, ठीक है। तो मैं आपको एक हिंट देता हूं इसके लिए, एक सर्किट मैंने आपके लिए बना दिया है, सर्किट का मुझे रेजिस्टेंस नहीं पता, स्टार्टिंग में कितनी वोल्टेज थी 24 वोल्ट, तब कितना करंट फ्लो कर रहा था 2 mA। अगर वोल्टेज कर दूँ कम, यानी कि 9 वोल्ट कर दूं, उस केस में कितना करंट फ्लो करेगा ये निकालना है आपको, ठीक है। तो आप इसे ट्राई कीजिए और सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड सिमिलर टू मोर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इस जैसे ही क्वेश्चन को मैं लेके अपनी अगली वीडियो में आऊँगा और आपके लिए ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।